अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू शेख्स फैम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार, जैसा कि आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा बहुत ज़्यादा करीब है और मंडियों की रौनकें फिर से लग गई हैं, तो आज हमारा भी यही प्लान है कि आज हमने मंडी जाना है और वहाँ पे जाके देखते हैं जानवरों के क्या रेट हैं। हमारा इस बार भी बकरे लेने का प्लान है, पिछले साल भी हमने बकरे लिए थे और इस बार भी अभी तक तो यही प्लान है कि बकरे लेंगे। तो अब जाके देखते हैं मंडी क्या हालात हैं, किस तरह के रेट्स हैं, अगर कोई बन गया रेट तो हम ले भी आएंगे बकरे। सो चलते हैं जी मंडी, शाहपुर मंडी जाने का प्लान है, शाहपुर कांजरा मंडी। सो लेट्स गो, चलते हैं जी। यार अभी शाहपुर मंडी में आ गए हैं और अभी आगे मेन मंडी की तरफ जा रहे हैं, जाके देखते हैं कुछ सौदा वगैरह बनाते हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही जानवर मिलेगा। सो आगे चलते हैं मंडी की तरफ। बाय द वे यार, आज मंडी में बहुत ज़्यादा रश है और बहुत लोग आए हुए हैं। मंडी में जानवर तो काफ़ी खड़े हुए हैं, दुम्बे ज़्यादा हैं आज बकरों के अलावा ना, आज ओवरऑल मंडी में दुम्बे बहुत ज़्यादा हैं। अजय ने इतना की मांग रहे हो यार? नहीं लैन आए हैं, असं मजाक नहीं करना है। 35,000 रुपया ला लै, दे दे यार, तू अपना फाइनल दस दे की है। फाइनल ले जा। नहीं यार 35,000 रुपये का दे दे, 37,000 का देना। यार ये देखें जी, यहाँ पे ये माशाल्लाह से चीना बकरा है और बहुत प्यारा बकरा है, खूबसूरत बकरा है, बड़ा 4 लाख रुपए का ये बकरा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बकरा है। यहाँ पे जी ये 12 बकरों की बात चल रही है और मक्खी चीने बकरे हैं, खूबसूरत बकरे हैं। 55,000 के हिसाब से हमने कह दिया 12 बकरों का रेट, लेकिन वो 85,000 के हिसाब से मांग रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं बात बनाने की, आगे आपको दिखाते हैं क्या बनता है। 12? नहीं यार वो 12-13 बकरों की बात नहीं बनी, हमने बहुत अच्छा उनको रेट लगाया था लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे थे, इस वजह से वो बकरे तो नहीं बने। खैर अभी हम वाड़ों में काफ़ी बकरे देख रहे हैं, इंशाल्लाह कोई अच्छे ही बकरे हमें मिलेंगे, तो देखते हैं कोई सौदा वगैरह बनाते हैं। स्टे ट्यून्ड। बकरा 2 किलो का 1,000 रुपये पास, मुर्गी नहीं मिलता, 1,05,000 तू काट मेरे को, 1,05,000 मेरे को ले लेना, तू तो मेनू कहते 70-72 हो कहना, मैं तू बेच रहा है, मैं 1,05,000 लेने, 1,05,000। माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा ये दुम्बा है और सींग माशाल्लाह देखें, खूबसूरती सींगों की है इसकी और माशाल्लाह बारी भी बहुत है। ये देखें जी, काफ़ी जानवर देखे हैं और ऑफ कैमरा काफ़ी सौदे भी किए हैं लेकिन कोई बात नहीं बन रही, थोड़ा थोड़ा फ़र्क सबके साथ रह रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला, तो हम इसको नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह कल भी जाएंगे मंडी और फिर कुछ देखते हैं, वहाँ से लेंगे बकरे। तो आपसे मिलता हूँ कल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर डे। ये 3-4 दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 3-4 दिन हमने बहुत ज़्यादा मंडियों में गए हैं, बहुत कोशिश की है कि अच्छे बकरे मिल जाएं लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। उसकी मेन वजह यह है कि पिछले जब 10 से 15 दिन पहले बहुत ज़्यादा लाहौर में गर्मी डल रही थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से बकरे बहुत सस्ते थे। अब जैसे ही ईद के दिन करीब आए हैं तो बहुत ज़्यादा रेट उन्होंने ऊपर कर दिए हैं, तो इस वजह से बकरे कोई भी अच्छे नहीं मिल रहे। अभी हम दोबारा जा रहे हैं आज बरकी रोड वाली मंडी पे, इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश है कि बकरे लेके आएंगे। बाय द वे हमारी गली में भी काफ़ी जानवर आ गए हैं, ये एक वैड़ा खड़ा हुआ है, उसके अलावा जी ये बकरे भी आ गए हैं और ये माशाल्लाह बड़े प्यारे बकरे हैं, 7-8 बकरे हैं और बहुत खूबसूरत है, काफ़ी लोग ले आए हैं, तो इंशाल्लाह आज हम भी जाते हैं मंडी और इंशाल्लाह आज लेकर आएंगे बकरे। आज यार अभी हम पहुंच गए हैं जी बरकी रोड वाली मंडी में, अंदर चलते हैं, मंडी शंडी आपको दिखाता हूं और फिर यहां पर देखते हैं कोई रेट वगैरह बनाते हैं। मंडी में हम आ गए हैं जी और ये आगे वाली साइड सारी वैड़ों की है, इसके पीछे बकरे हैं, यहां पे वैड़े काफ़ी अच्छे खड़े हुए हैं, बड़े वैड़े भी हैं, छोटे भी हैं। खैर हमने तो वैड़ा लेना नहीं, तो आगे चलते हैं बकरों वाली साइड पर। और यार इस मंडी में अगर रश की बात करें तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड पर है मंडी, तो इस वजह से इधर इतना रश नहीं है। यार अब हम आ गए हैं बकरों वाली साइड पर और यहाँ पर वाड़ों में काफ़ी बकरे खड़े हुए हैं, उम्मीद है यहाँ से बात बन जाएंगी और अच्छे बकरे मिल जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे जो बकरे पसंद आते हैं उनकी फिर बात करते हैं। 40,000 यहाँ पर जी और बकरे देख रहे हैं और एक दफा इनसे जरा थोड़ा सा रेट बन जाए तो फिर आपको बकरे भी दिखाता हूँ।
यार ये है पहला बकरा और इसी तरह के चार बकरे हो रहे हैं, वो दूसरी साइड पे बंधे हुए हैं। इन पांच बकरों की बात चल रही है, इंशाल्लाह देखते हैं अब क्या बनता है। यार उन पांच बकरों की अभी बात चलती है और ये तीन बकरे और देखे हैं, ये भी अच्छे बकरे हैं, इनका भी जरा रेट वगैरह बनाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। नहीं यार यहाँ पे बरकी भी नहीं, मंडी में काम बना, अब हम दूसरी मंडी में जा रहे हैं। यहाँ पे हमने पीछे काफी सौदे देख लिए होंगे, हमने बहुत सही रेट लगाए हैं जो उसका रीज़नेबल है, बल्कि उससे ऊपर ही लगाए हैं कि यार चलो आखिरी दिन है हम ले लें बकरे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं बांध रहा, तो अब हम दूसरी मंडी चलते हैं। सो यार अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं जी काछा मंडी, काना काछा मंडी लगी हुई है, तो उधर जाके देखते हैं इंशाल्लाह कोई अच्छा ही जानवर होगा जो हमें मिलना होगा, जो इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। इंशाल्लाह जाके काना काछा वाली मंडी पे कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह वहाँ से जानवर लेंगे। सो चलते हैं जी काना काछा मंडी में और वहाँ पर आपको सारी मंडी वगैरह दिखाता हूँ, लेट्स गो। यार अभी हम काछा मंडी पहुँच गए हैं, ये सारा मंडी का सीन है, अभी इंशाल्लाह कोई यहाँ पे अच्छे बकरे देखते हैं। वैसे मंडी के हालात तो सही लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ सौदा वगैरह बनाते हैं और फिर आपको बकरे लेकर ही दिखाता हूँ। सो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 बकरे हमें मिल गए हैं बड़ा फिरने के बाद, 4 ये बंधे हुए हैं और ये 3 ये हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बकरे मिल गए हैं, थोड़ा सा फिर के मिले हैं, 3-4 मंडियों में गए हैं तो उसके बाद ये बकरे मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बकरे मिल गए हैं, वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह ईद उल अज़हा का व्लॉग होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।